रामनगर मुक्ति धाम में पिछले 20 वर्षों से रखे 40 अस्थि कलशों का विसर्जन हिंदू रीति रिवाज के साथ चित्रोत्पला गंगा नदी रुद्रेश्वर धाम रुद्री में किया गया। इन अस्थि कलशों को 18 अक्टूबर को स्वर्ग धाम सेवा समिति द्वारा धमतरी लाया गया था। स्वर्ग धाम सेवा समिति पिछले कई वर्षों से मृत आत्माओं को मोक्ष दिलाने के काम में जुटी हुई है। इस कल्याणकारी सेवा की श्रृंखला में एक और पवित्र काम जुड़ गया है। भिलाई के रामनगर मुक्ति धाम में मोक्ष के लिए तरस रहे 40 अस्थि कलशों को 18 अक्टूबर को समिति द्वारा धमतरी ले जाया गया था। यहां 20 अक्टूबर शुक्रवार को इन सभी अस्थि कलशों का विसर्जन गंगा नदी रुद्रेश्वर धाम रुद्री में हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। स्वर्ग धाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवं महासचिव अशोक पवार ने कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अनेक अस्थियों को उनके परिजन लेने नहीं आए जिनका विसर्जन किया जा रहा है। जरूरत के समय अपने ही पराये हो जाते हैं, यह कहावत रामनगर मुक्ति धाम में रखी अस्थियों को देखकर साबित होती है। मौत के बाद अस्थि विसर्जन समय पर हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 20 सालों से अस्थियों को मोक्ष का इंतजार था। अस्थि विसर्जन की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। 40 वर्ष से रामनगर मुक्ति धाम में जो अस्थियां विसर्जन के लिए अपने मोक्ष के लिए बाट जो हो रही थी, वे अस्थियों को सेवा धाम सेवा समिति धमतरी के द्वारा प्राप्त करके लेके गए थे। उनका आज शुक्रवार को रुद्री घाट में महानदी, जिसको छत्तीसगढ़ का चित्रोत्पली गंगा कहा जाता है, उस नदी में विधि विधान से मोक्ष तर्पण करके साथ में अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में मृतकों के परिजन रामनगर मुक्ति धाम में रखी अस्थियों को लेने नहीं आए थे। कई मृतक के परिजन तो ऐसे भी थे जो अपने घर का नाम पता भी दर्ज नहीं कराए थे। समिति के प्रयासों से 40 मृतकों की अस्थि कलशों का शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।